कि आपको इस तरह का रनिंग एलईडी चेजर बनाना है। अगर बनाना है तो इस वीडियो का अंतिम तक जरूर देखिए। मैं यहाँ पर 9 वाट का डीओबी एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी कम कॉस्ट में ओनली 10 रुपीज़ में आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये जो एलईडी लाइट है आपके घर के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप एलईडी बल्ब लेके आएंगे कलर वाला, इतना अच्छा लुक वाइज नहीं लगता। आप इस तरह का एलईडी चेजर यूज करने की कोशिश कीजिए, एलईडी वाला लाइट। अगर आपको इस तरह से एलईडी लाइट बनवाना है घर में, आप ये एलईडी चेजर बहुत ही इजीली बनवा सकते हैं। सो है गाइस, मैं आपका दोस्त बाबिन, बाबिन इलेक्ट्रिकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 9 वाट एलईडी चेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चेजर सर्किट की जरूरत पड़ेगा। ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली 40 रुपीज से 50 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। ये 5-in-1 चैनल 100 वाट का चेजर सर्किट है, 220 वोल्ट में ऑपरेट होता है। कुछ एलईडी का जरूरत पड़ेगा, इस तरह का एलईडी आप ला सकते हैं। अगर आप फोन के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा दिखने में लगेगा, बट आउटसाइड के लिए ऐसा लाइट बनाना बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि ये इतना अच्छा लुक नहीं देगा। कुछ वायर का जरूरत पड़ेगा प्लग इन करने के लिए, जो एलईडी को लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वायर में यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। हीट सिंक का जरूरत पड़ेगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, पीवीसी टेप यूज करूंगा ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगा। बस चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वायर को छील लेंगे। देखिए इसको सबसे पहले इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ पर आपको दो टर्मिनल देखने को मिलेगा, एक है न्यूट्रल एक है लाइव। आपके केस में हो सकता है कि एल की जगह पी लिखा हुआ है। इसका कॉस्ट अगर बता दूं तो ये आपको 10 रुपए में मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सोल्डरिंग पेस्ट अच्छी तरह लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉपर का कोटिंग होता है, एक्चुअली में प्रॉपर इसमें कॉपर नहीं होता है। देखिए अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो गया है। अब देखिए इसको सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब का यूज करूंगा। आप चाहे तो ना भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट सर्किट होने से खराब हो जाएगा बहुत ही जल्दी, इसलिए मैं इसको हीट सिंक ट्यूब यूज करूंगा। इस होल से मैं वायर को निकालने वाला हूँ, देख लीजिए। और हीट सिंक ट्यूब इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये प्लेट बहुत ज्यादा हीट हो जाए, तो अगर हीट सिंक ट्यूब लगा दूंगा तो यहाँ पर वायर गलने की चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए इस तरह से दिखेगा, जो काफी अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं बाकी चार कर लूंगा, चार करके वापस आ रहा हूँ। देखिए इस तरह से लगेगा, मैं पांचों के पांचों कर चुका हूँ। अब आता है मेन कनेक्शन, इसमें मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। सोल्डरिंग पेस्ट को अच्छी तरह लगाऊंगा। सोल्डरिंग पेस्ट जितना अच्छी तरह लगाएंगे आपका सोल्डरिंग उतना ही अच्छा एंड स्मूथ होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले हम लोग फेस एंड न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। एसी में कोई फेस न्यूट्रल नहीं होता, तो आप कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कितने इजीली कनेक्शन हो गया, आप सीक्वेंस के हिसाब से लगा सकते हैं। मैं सबसे यहाँ पहले यहाँ पर ये जो कनेक्शन है यहाँ पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई आईसी नहीं लगा रहे है, इसका मतलब इसमें कोई कनेक्शन है नहीं। एक हो गया, अब मैं इसके बाद ये ग्रीन लगा रहा हूं। देन कनेक्ट कर रहा हूं ब्लू। देन कनेक्ट करता हूं येलो। आखिरी में कनेक्ट करता हूँ वायलेट।
अब कॉमन कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर अलग से वायर यूज करूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा कनेक्शन कंप्लीट है। अब इनका जो कॉमन टर्मिनल है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। क्या मैं यहाँ पर टेप कर लूंगा सेफ्टी के लिए। आपको अगर इलेक्ट्रिकल का काम थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं आता तो आप ये सब काम नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइव 220 वोल्ट एसी चलने वाला है जो काफी खतरनाक है। मेरा कनेक्शन रेडी है। देखिए बनने का बाद अगर हम लोग ऑफ करके देखते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ पर जो कलर सबसे ज्यादा ब्राइट है वो है यहाँ पर रेड कलर। रेड आपका जो वायलेट कलर है बहुत ज्यादा आंखों में लगता है। सो डायरेक्ट इसमें देखने की कोशिश ना कीजिएगा। अरे आप अगर सीलिंग में लगाएंगे तो इसका जो रौनक है आपका घर का रौनक ही चेंज हो जाएगा और काफी खूबसूरत लगता है। दीवार में भी डायरेक्ट स्पॉट कर सकते हैं, उसमें भी बढ़िया दिखेगा। आप डायरेक्ट पूजा घर में यानी कि हम लोग का जो घरों में जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ पर भी आप इजीली इस तरह का लाइट लगवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। मैं एक बार सोचा कि क्यों ना हम सब तो एलईडी से बनवाते ही है झालर, तो हम क्यों ना 9 वाट का एलईडी लेके ट्राई करें। इस तरह से मुझे ये आइडिया मिला, मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो लाया हूँ आपके सामने। अगर पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस तरह का और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट बता सकते हैं। बट हाँ बच्चों, इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि इसके साथ 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी शॉक का रिस्क रहता है जो काफ़ी खतरनाक है। बड़ों का हेल्प लेके आप इजिली इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।